मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा कौसा में लगातार कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या बढ़ते ही जा रही है। कुल संख्या बढ़कर 47 हो गई है। पापा का नाका के पास रशीद मुल्ला कंपाउंड में एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाया गया है और वहीं दूसरी तरफ कौसा के लक्ष्मण मुंब्रेकर इमारत में भी कोरोना संक्रमण व्यक्ति पाया गया है। ये दोनों नए मामले सामने आए हैं। मुंब्रा कौसा शहर के हालात अब बिगड़ते ही जा रहे हैं। रशीद मुल्ला कंपाउंड में संक्रमित मिलने के बाद एरिया को सील कर दिया गया है और जिस गली में ये संक्रमित व्यक्ति मिला है उस गली की हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि देखिए किस तरह से ये गली पूरी तरह से सील कर दी गई है और साथ ही पापा का नाका जो एरिया है वहाँ पर भी रोड पर बैरिकेड लगा दिया गया है, यानी कि ये इलाका पूरी तरह से सील कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ कौसा में लक्ष्मण मुंब्रेकर इमारत में कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिलने के बाद ये इमारत भी सील कर दी गई है। एहतियात के तौर पर आसपास के इमारतों को भी सील किया गया है। गलियों में बांस लगाकर गलियों को भी सील कर दिया गया है और दोनों कोरोना संक्रमित परिवारों के सदस्यों को क्वारंटाइन किया गया है। आपको बता दें कि मुंब्रा कौसा में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और लोगों को अब सावधानी बरतने की बेहद ज़रूरत है और ज़्यादा घरों में ही रहे, बेवजह बाहर ना निकले, क्योंकि मुंब्रा कौसा में कुल संख्या बढ़कर अब 47 पहुंच गई है, इसलिए एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।